बरखेड़ा थाना क्षेत्र के गांव मूसेपुरा कला की महिला रीता देवी ने आरोप लगाया है कि शुक्रवार की रात समय लगभग रात्रि के 9 बजे घर पर अपनी दो बेटियों के साथ लेटी थी, तभी पड़ोस का ही सुमेरलाल हाथ में तमंचा लेकर महिला के घर में घुस आया और महिलाओं को जबरदस्ती कंधे पर लाद कर उठा ले गया और महिला को अपने घर में ले जाकर बुरी तरह से मारने पीटने लगा। जब महिला की दोनों बेटियों ने चीख पुकार की तो महिला के परिवार के लोग आरोपी से महिला को छुटाने पहुंच गए, तभी आरोपी के परिवार के लोगों ने पीड़िता के परिवार वालों के ऊपर धारदार हथियार से हमला बोल दिया, जिससे दोनों पक्षों के लोगों को गंभीर चोटें आईं। वहीं पीड़िता ने बताया है आरोपी सुमेरलाल कत्ल के मामले में जेल से सजा काट कर जमानत पर बाहर आया है और गांव में भौकाल जमाए हुए है। वहीं थाना पुलिस ने आरोपी पक्ष से साठगांठ करके धाराओं में खेल करके केवल दोनों पक्षों के सुमेरलाल प्रेमपाल दशरथ राम बहादुर अजयपाल रीता देवी के खिलाफ एनसीआर दर्ज करके अपना पल्ला झाड़ लिया, जिसके चलते पीड़ित परिवार न्याय के लिए उच्च अधिकारियों के चक्कर काट रहा है। बरखेड़ा से विमलेश कुमार की रिपोर्ट। क्या मामला हुआ? ये लोग दारू पिए के दो तीन लोग इकट्ठे बैठे गए, अब जो बोले जाके उठा ले जाए चोरी के, जिसको गोली से उड़ा दिया। कौन बोला? वो सुमेरलाल और प्रेमपाल। कहाँ के निवासी हैं? ये निवासी है कटकावर, रहने वाले कटकावर, जो रहते हैं हमारे नंदे घर पे, चाची घर पे। कौन से गांव में? मूसपुर कला। फिर क्या हुआ? फिर कहा हमारे घर पे कोई थे ना, हम हमारी बेटी थी, इन्हें हमें उठा ले जाए तो भी मारो, तो हमने अपने पति को फिर इसको हमने भेजो, हमने की देखो उनको उठा लावे जब बुला लावे जाए, जब तक बुलाऊंगे तब तक बहुत मारी, और जाहू बहुत मारी, और जब तक वे आए तो उन्होंने घेर ले, उन्होंने मारी मार मूर के अपने आप चोट मार के, और आए गए हमारे पास कोई है ही ना जो मैं ला के आई, हमने 100 नंबर हम लोग अभी आए हैं तो 100 नंबर फोन किया तो 100 नंबर गए तो हमें लेके आए, उन लोगों ने अपनी पुराना बदमाश है ये 10 साल साथ, और ये भी कत्ल करी हुई है कटकावारी ऐसी थी करी, तो कटकावारी एक आदमी मार दिया इसने, वो भी औरत मार दिया इसी ने, ये सुमेरलाल ने, सुमेरलाल कटकावारी एक लड़की, इसने एक आदमी मार दिया,